उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित एक दिवसीय जो कांट छांट के प्रति हमारा जो प्रशिक्षण शिविर है आज, उसके टेक्निकल रिसोर्स पर्सन श्री पंकज नेगी जी, उनके सहयोगी विशाल बेगटा जी, अक्षय ठाकुर जी और एफएससी के चेयरमैन जुब्बल कोटखाई ब्लॉक के श्री सुंदर डोगरा जी और आप सभी सर्वोपरि जिनके लिए हम सब आज इकट्ठा हुए हैं, स्थानीय ग्राम के हमारे जो बुजुर्ग बागवान भाई, यंग हमारे प्रोग्रेसिव किसान बागवान भाइयों, आज हमने इस ग्राम जमोत में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है उद्यान विभाग की ओर से, जिसके लिए हमने आग्रह किया था पंकज नेगी जी और उनकी टीम से कि आप आएँ, हमारे युवा बागवानों को कुछ बागवानी के नए नए टिप्स दें, विशेषकर कांट छांट के प्रति हमारा जो आज का विषय है उसके प्रति आप हमें बताएं। तो व्यस्तता के बावजूद उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, हम इनके बहुत आभारी हैं और सबसे ज़्यादा आभार प्रकट करता हूं मैं आप सभी का, जिन्होंने अपने कामों को छोड़कर, अपनी व्यस्तताओं को छोड़कर आप इस शिविर में उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कि मैं मंच जो है अपने नेगी जी को और उनकी टीम को सौंपूं, मैं उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश से कुछ जो हमारी योजना है उनके प्रति आपको जागरूक करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हमारी जो आजकल की जो मेन इशू है, हमारी जो योजना है तत्कालिक, वो है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2009 से हमारे प्रदेश में ऑपरेटिव है, फंक्शनल है और इसमें जो हमारे जो है एक बेसिक स्कीम होती है जो जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वो और इसके साथ ही एक एड ऑन स्कीम है हमारी जो ओलावृष्टि के लिए हमारी विशेषकर जो है फॉर्मुलेट की हुई है, जो ओलावृष्टि का अच्छा जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है हमारी, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, अगर कोई आपको थोड़ा सा ऐसा लगे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे 5 पैरामीटर्स हैं। एक होता है हमारे चिलिंग रिक्वायरमेंट की जो हमारे दिसंबर से अभी मार्च तक चलता है, दूसरा होता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, दो तीसरा होता है हमारे एक्सेसिव और डेफिसिट रेनफॉल, जो हमारा फ्लावरिंग के टाइम जो है एक्सेस रेनफॉल आता है जो हमारा पोलन वॉश आउट हो जाता है, तीसरा होता है हाई वीड स्पीड, जब जो है हमारा सेब थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज में कोई 50-52 mm का, उसके दौरान जो है हमारी विंड स्पीड आती है और सेब झड़ जाता है, तीसरा है, पांचवा है हमारा जो है एक्सेसिव रेन आते हैं जुलाई वगैरह में, उससे हमारा सेब को नुकसान होता है। तो ये सारे जो 5 पैरामीटर्स है इसके लिए हमने जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है हर पंचायत में एस्टेब्लिश किए हुए हैं। और सबसे पहले जब मैं डायरेक्टोरेट में था उद्यान विभाग में निदेशालय में, तो तब से ये स्कीम चली थी, तो जब मैंने यहाँ देखा तो मतलब हमारे जो है ओवरलैपिंग हो रही थी एरिया जो ऑपरेशन था, मान लो खलाना एरिया जो है उस वेदर स्टेशन में जा रहा है और दूसरा एरिया जो है उस वेदर स्टेशन में, तो हमारे को जो है कंपनसेशन जो है प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था। पिछले साल से मैंने कंपनी को AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को हमने लिखा निदेशालय के माध्यम से कि हर पंचायत में एक वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए, तो जुब्बल कोटखाई ब्लॉक एक पहला ऐसा ब्लॉक है जिसमें हर पंचायत में हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है एस्टेब्लिश हो गए हैं और फंक्शनल भी है। इस साल उसके गवर्नमेंट शेयर आ गया है, डायरेक्टोरेट में मैंने परसों ही बात की थी और अब जो है उसका क्लेम मिलने वाला है, उसका डाटा कंप्यूट हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में वो जो भी है जैसा भी है जितना भी है आ जाएगा, उसमें मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि वो सैटेलाइट से डाटा आता है, उसको एनालाइज होती है, कंपनी करती है और फिर आपको मिलता है। अच्छा, दूसरी बात रही एड ऑन की, आप देख रहे होंगे कि मेरे साथी जो टेक्निकल रिसोर्स पर्सन है वो भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे देखो बांस लगा हुआ है, मैक्सिमम एरिया तो जालियों से कवर हुआ है हमारा, लेकिन फिर भी कुछ
आपके जो फील्ड्स रह जाती हैं ऐसी जो जालियों से बाहर की है, आप एलिजिबल उस डेट के उस कवर के लिए तब रहते हैं अगर आपने पहले मेन कवर में जो है इंश्योरेंस की हुई है। मेन कवर में इंश्योरेंस होती है उन लोगों की जिन्होंने केसीसी बनाई है या लोनिंग की हुई है बैंकिंग बैंकों से। तो उसमें आप जो है उसमें 4 जनवरी लास्ट डेट है, आप अपने फॉर्म भरिए, आप अपना 13 रुपये प्रति पौधा है उसमें एड ऑन के लिए ओलावृष्टि के लिए। ओलावृष्टि जो कवर है हमारा वो जो है मैनुअली हमारा असेसमेंट होती है फिजिकली, ये ऑटोमेटिकली वेदर स्टेशन में नहीं आता है, इसीलिए ये एड ऑन के रूप में रखा गया है। तो इसमें आप 4 तारीख से पहले पहले अपने बैंकों में अपना वो रजिस्ट्रेशन कर लें, उसमें प्रीमियम दे दें, लेकिन पात्र वही व्यक्ति होगा, वही किसान होगा, बागवान होगा जिन्होंने मेन कवर में अपनी इंश्योरेंस की होगी, अदरवाइज आपको दूसरा फॉर्म जो है भरना पड़ेगा बैंकों में जाके। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि क्योंकि हमें एक भ्रांति है कि हमने जी हमारा प्रीमियम तो कटा था लेकिन हमारे को ओलावृष्टि तो हुई, हमारे को क्लेम तो नहीं मिला, लेकिन आपको नहीं मिलेगा वो जब तक आपने अलग से प्रीमियम नहीं भरा होगा। 40 रुपये प्रीमियम आपका मेन स्कीम में है वेदर बेस्ड में, जिसकी ऑटोमेटिकली एनालिसिस होगी, और 13 रुपये आपका जो है उसमें जो है आपको अलग से भरना पड़ेगा। इवन आपका मतलब ये समझो आपकी 53 रुपये आपको कुल प्रीमियम देना पड़ेगा, और आपने एक विशेष ध्यान रखना है, आपने 13 रुपये भी दे दिए, आपका जो है प्रीमियम भी डिपॉजिट हो गया, लेकिन ओलावृष्टि हो गई तो आपको क्या करना है कि 72 घंटों के अंदर अंदर या तो मेरे कार्यालय में कोटखाई में या आपके जो प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर रामनगर में है, या आप स्वयं आके एप्लीकेशन से उस मतलब ओलावृष्टि को आपने एप्लीकेशन के द्वारा जो है बताना है कि हमारे इस तारीख को इतने बजे जो है ओलावृष्टि हुई, तो आपका एप्लीकेशन हम फॉरवर्ड करेंगे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया को। उसके बाद जो टीम आती है उसमें टीम होती है एक आदमी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का, एक हमारा मैं या मेरे HDO दौलटा जी जो आपके बीच है यहाँ, और एक पटवारी, एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कोई आदमी, वो फिर फिजिकली असेसमेंट होगी कि आपका नुकसान कितना हुआ है, 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 80%, 90% इवन 100%, जैसा जैसा भी आपकी इंटेंसिटी ओलावृष्टि की होगी। तो एक तो रही ये बात, दूसरी हमारी जो स्कीम रहती है आपको 15 जुलाई से, पिछले साल भी मैंने एक कैंप लगाया था रामनगर में लीफ एनालिसिस का, तो बहुत सारे सैंपल आए थे पिछली बार भी, उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई, इस साल भी कुछ लोगों ने सैंपल दिए हैं हमें, 30-40-50 लोगों ने, तो उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास तैयार है, एक दो दिनों में आपको राकेश जो हमारे HEO हैं यानी नीचे रामनगर में उनके द्वारा आपके लिए बंट जाएगी। तो इसके अलावा और बहुत सारी स्कीमें हैं, तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि उद्यान विभाग से आप लोग जुड़े रहें, हमारे पास जो भी नई स्कीम आती है हम उनको बताते रहेंगे आपके पास, हम आपके लिए हैं, हमें तनख्वाह जो है आपके लिए ही मिलती है, आपकी सुविधाओं के लिए मिलती है, आपको बेनिफिट करने के लिए मिलती है, बशर्ते आप लोग हमसे संपर्क में रहें। बाकी इससे पहले कि मैं मंच को नेगी जी के हवाले करूँ, तो आप लोग जो है आपका दिन है आज, आपके प्रश्न हैं, इनके उत्तर हैं, इनकी टेक्निकलिटी का पूरा लाभ उठाएं, आप क्वेश्चन करें, आप मन में ना रखें क्वेश्चन, आपके पास बहुत सारा समय है, आपको जो जो भी जहां जहां भी डाउट है उन डाउट्स को क्लियर करें और सीखें इनसे। और ऐसे नहीं कि हमारे PPC सेंटर में दवाई आई और कट्टा भरा और गाड़ी में डाला और दूसरे दिन स्प्रे स्टार्ट, आप डायग्नोज करें, मतलब मैं दवाई जो कर रहा हूँ किस बीमारी के लिए कर रहा हूँ, एक डी, दूसरा डी डोज प्रॉपर रखें, ये नहीं कि आपने एक ड्रम भरा 239-235 लीटर का उसमें एक डब्बा, जबकि 600 ग्राम की है 200 लीटर के लिए, थोड़ा ड्रम को आधा कर दो, आता भी लगे। तीसरा डी ड्यूरेशन, जैसे नेगी साहब ने भी बोला, दवाई की एफिकेसी को हमारे को देखना है कि कितने दिन उस दवाई का जो है इफेक्ट है, वो जो हम एक दवाई आज कर ली हमने मान लो, उसके बाद जो है 22 दिन के बाद संजोली चौक से नंबर लग रहा हमारा स्प्रे के लिए, तो 3D और 3C का
आप कॉम्बिनेशन रखिए आपस में, आपका मतलब आधा हो जाएगा सारा मैनेजमेंट। 3C का मतलब है 3D, तो आपको समझ गया 3C हो गया आपका, आपस में कोऑर्डिनेशन रखें, कन्वर्सेशन रखें और आपस में कॉम्पैक्टनेस रखें, यूनाइट रहें, आपसे बातचीत करें शाम को एक दूसरे से, और जो है कोऑर्डिनेशन रखें कि भाई आप क्या कर रहे हो, मैं क्या करूंगा वो। ये सारे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो मैंने बताया। अगर किसी ने देखना हो इतवार को, ज्यादातर मैं घर में होता हूँ, सुबह आप आ सकते हैं देखने। देखो एक बार जरूर जाओ, बहुत मजा आएगा, जाना चाहिए। मैं तो फोन कर रहा हूं, मैं शुक्रिया शनी को कि मैं घर में हूं कि नहीं। अलग से है क्योंकि ये जो हमारा जो सेब के पौधे है ना, ये थोड़े स्लाइट पीएच चाहिए इसको। अगर आपकी पीएच एक बारी जो है एल्कलिनिटी की ओर चली गई ना, आपको उसको एसिडिटी, उसको एसिडिक लाने के लिए बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ेगी। वेरेज अगर आपकी पीएच जो है थोड़ी सी एसिडिक है, आप उसकी एल्कलिनिटी बढ़ा सकते हो विद इन 1-2 ईयर। तो ये रखो कि ज्यादा पीएच को चूना चाना भी मत ज्यादा ऐड करो, थोड़ा स्लाइटली जो है आपकी जो है 6 से नीचे अगर आपकी पीएच होगी जो हमारी साइट में होती है, उसको चूना डाल के हम जो है ना 7 तक पहुंचा दिए हमने, और माइक्रो न्यूट्रिएंट, हाँ अपटेक नहीं होगा न्यूट्रिएंट कभी नहीं, और उस पीएच को न्यूट्रल लाने के लिए आपकी फिर जिप्सम आपको नहीं मिलना, फिर चूना आसानी से मिल जाएगा। तो ये चीज होती है, ध्यान रखा करो चूना जो भी सस्ती चीज मिली हमारे को दे तौलिए में, मतलब अवॉइड करो इसको ज्यादा। ये हमारे थोड़े से जो पेड़ है ना, ये डोमेस्टिकेट किए हुए हमने, ये जंगली है सारे चीजें, जितना इसको जंगली रहने दोगे आप उतना ठीक रहोगे। ज्यादा डोमेस्टिकेशन जो है किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। मेंटेन आपको अगर बहुत अगर सॉइल 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 टेस्टिंग सॉइल देखिए, अगर आप 5.5 बहुत ही कम है, कहीं तो बिना सॉइल टेस्ट के बहुत कम नहीं है, स्लाइटली कम है, बहुत कम नहीं है, स्लाइटली कम है। मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलता हूँ जी, सबसे सस्ता प्रोडक्ट ढूंढता हूँ, इसमें सब्सिडी में भी अगर डाइथेनॉल इथेन है तो इथेन लेता हूँ, 25 रुपए सस्ता है उससे। हाँ जी, अगर 50 ग्राम है तो फिर 1000 रुपया बच रहा है। और जो सब्सिडी की दवाई आती है पहले वो स्टोर होती है कहीं अम्बाला चंडीगढ़ कहीं भी गुडाउन में, पहले टेस्ट होने जाती है 2-3 लेबोरेटरी में, 1 लेबोरेटरी में नहीं, जब वहां से रिपोर्ट आएगी तब ऊपर आती है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आधी से ज्यादा दवाई हिमाचल में मैन्युफैक्चर हो रही है, तो फायदा हमारी कंपनीज को भी हो रहा है उसका। और मैं आपको एक बात जानकारी दूं, जो भी आपको पता ही होगा, आपके पास जो भी बैच आता है या प्राइवेट में आता है, वो कभी साल में अगर हम लोगों ने सैंपल भरे, दौलटा जी नहीं अभी कोटखाई में बहुत सारे भरे सैंपल, तो वो साल में एक बार टेस्ट होगा, जबकि हमारे हर बैच की PDI होती है, डिस्पैच डिलीवरी से पहले हमारे इलाज से परहेज, इलाज से पहले करो, जैसे 50-60 दिन में आपके उससे परहेज करो जरूरी, और 20-25 दिन में फ्लोरिंग के बाद आपके ऑल्टरनेटिव स्पॉट रिमेडी। तो अगर आप ग्रीन टिप पे आप सिल्वर टिप पे थोड़ा बहुत कुछ करोगे तो फिर फायदा ही होगा उसका। दो तरह की स्प्रे होती है, प्रिकॉशनरी और अगर आप ये वाली आजकल आ ही गया है मान लो आपके ना, आजकल की स्प्रे कर लेंगे फोबोडोमिक्स कॉस्टिक सोडा वगैरह कुछ, तो समझ लो कि आपकी अगले साल की 50% की टेंशन खत्म होगी। प्रिकॉशनर स्प्रे क्योंकि जो पीछे बीमारी रहती है अगले साल के लिए इसी से पैदा होती है, बाहर थोड़ी रहती कहीं से, तो आपकी काफी हद तक खत्म हो जाती है। क्योंकि जो भी इसका इनोकुलम है वो शुरू में तैयार होगा, आपका स्प्रिंग सीजन होता है, हर बीमारी का इनोकुलम उस टाइम तैयार होता है, अगर उसके लिए जो एनवायरमेंट हो वो फिट बैठेगा, उसलिए आप शुरू में भी है कर दो टाइम स्प्रे। इनोकुलम हाइबरनेट करता ना सर्दी में, और तो तभी बोल रहे हैं कि बोडो मिक्सचर हो जाएगी, कास्टिक सोडा हो गई, वो इनोकुलम जो है वही खत्म हो जाएगा। जो कास्टिक सोडा इस साल किया तो अगले साल भी कर सकते हैं, बिल्कुल 2-3 साल यहाँ पर कास्टिक सोडा चाहिए अच्छी क्वालिटी का। पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।